एक चीज जिसे मैं बड़ी देर समझता रहा कि अम्मी ने बुजदल बना दिया, वो कहती होती थी कि पुत्र घड़ी का खुंजिया कुआं ते जा पैंदा, मोहल्ले में लड़ाई उन्हें फटाफट अंदर ले जाना, मोहल्ले में लड़ाई उन्हें फटाफट अंदर ले जाना, मेरे पुत्र ते कोई परचा ना हो जाए, कोई पुलिस केस ना बन जाए। पुत्र जो तेरा डोमिसाइल बनेगा ना, उदे ते कोई चीज ना ऐसी आ जाए, जो तेरा कोई करैक्टर सर्टिफिकेट बनेगा उदे ते कोई इस तरह की चीज ना आ जाए। वो हमारे मोहल्ले में एक बंदा था, वो ना डराता रहता था कि ए मोहल्ले चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा, मैं उत्थे तेरे मुंडे का भी ना आया, मैं कढ़वा दिता, मैं कहना नहीं तेरा फिर अगों करियर खराब हो जाएगा, पढ़ता पिया मेरी तालीम पे फोकस कर रही थी माँ। अब एक बच्चा जो मतलब अपने बाप के साथ सुबह उठेगा 4 बजे 5 बजे, नान लगवाएगा तंदूर के ऊपर खड़ा होकर, अब आप भी फैसलाबाद के हो, नसीराबाद गुरु नानकपुरा, ठीक है, उधर अपना पांच पीर मोहल्ले के अंदर तंदूर है हमारा, वहां पर मैं सुबह उठता हूँ, मैं नान लगवाता हूँ। अब उठते पहले नान लगवा के पहले 500 नान लगाना है, 500 कुलचा लगा के उसको रखना है टोकरी के अंदर, फिर 500 कुलचा रखना सर के ऊपर, फिर वहां से निकल के जाना बकर मंडी, 100 कुलचा वहां देना, फिर वहां से जाना अफगानाबाद, 100 कुलचा वहां देना, फिर वहीं से घूम के जाना जंग बाजार रीगल सिनेमे के सामने, ये सारी सप्लाई चल रही है, सप्लाई चल रही है। वहां पर एक शाह शाह के नाम का होटल था, अभी भी होटल है वो, लेकिन वो बदल गया बंदा, 200 वहां देना। तो ये रोज की प्रैक्टिस, ये रोज की प्रैक्टिस है, यूं करके जाना और फिर वहां से वापस आना। अब वापस आके फिर एक घंटा खड़े होके जो वहां के ग्राहक हैं उनको नान निकाल के उनको दे के उनसे पैसे लेने, कच्ची लकड़ी जल रही है टाली की जो नाक में भी जा रही है और आंखों में भी जा रही है, ठीक है, मुझे साइनस प्रॉब्लम है उस लकड़ी की वजह से, अच्छा ठीक है, जरा सी भी कोई चीज़ होती है मेरी आंखों से पानी शुरू हो जाता है जल्दी, और दूसरा ये मेरे नाक से पानी शुरू हो जाता है, मुझे अपना बहुत ज्यादा वो ये उस वक्त का प्रॉब्लम है, छींकें आनी शुरू हो जाती है मुझे उस वक्त का प्रॉब्लम, ये मेरी बीमारी मेरे बेटे में कन्वर्ट हुई है। अच्छा, अभी जो मेरा बेटा मतलब उसके भी नाक का वो प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे जर्म्स हैं उसके। अब वो सारा मैं काम करके तो उसके बाद फिर मैंने जाना है स्कूल। अब मेरे सामने मेरे दोस्त बैट पकड़ के वो जा रहे हैं गली में ग्राउंड की तरफ और मैं उनको देख रहा हूँ, नहीं जा सकता, ठीक है जी, कभी एक आध दिन की इसमें छुट्टी हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब वो जा रहे हैं, जुमे वाले दिन सर क्रिकेट खेल सकते हैं मैच, और क्रिकेट का शौक था आपको? क्रिकेट का बहुत शौक था, मैं बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल की तरफ से वाइस कैप्टन खेला हुआ, वो फर्स्ट मैच जीते थे, हाँ जी जीता था, पहली दफा पाकिस्तान मॉडल जीता था तो छुट्टी करवाई थी हमने, वरना कभी जीता ही नहीं था। तो मैं दोस्तों को जाते देखता था, फिर उसके बाद जुमे वाले दिन भी होता क्या था कि जुमे वाले दिन हमारा मैच है सुबह 9 बजे जाना, जुमे वाले दिन हमारे पास शादी कार्ड आ जाता था, रोगनी नान लगाने, अब रोगनी नान लगाना 1000, ठीक है, बाप मेरे के सामने तो रिज़्क़ आ रहा है, मेरे सामने अज़ाब आ रहा है। बिल्कुल सही, मुझे तो नहीं ना इस बात का पता, मुझे तो खेलने जाना है, खेलने जाना है, और उम्र है मेरी उम्र है, ठीक है, मतलब एक बंदा जो है मतलब 8 साल का है जी, 9 साल का है जी, 10 साल का है जी, 15 साल का है जी, ठीक है जी, 16 साल का, 17 साल का, 17 साल तक एक बच्चा काम कर रहा है, क्या बात, 5 साल से शुरू हो गए, 17 साल की एज तक मतलब अपना जूठे बर्तन धो रहा है चाय के, चेंजर के ऊपर रिकॉर्ड लगा रहा है, फिर उसके बाद कुलचे लगा रहा है, तो ये सारे काम करके फिर उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल जाता है तो दिमाग गर्म है, नाक से पानी चल रहा है, क्या पढ़ेगा वो, दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, ये रोज हो रहा है, ये रोज हो रहा है, फिर छुट्टी करने को दिल कर रहा है, फिर छुट्टी हुई है वापस आना है, फिर आके बाकरखानियां लगवानी है अब्बू के साथ, वो बाकरखानियां उसी तरह लेकर फिर बाजार जाना है, और जो लेकर जाने हैं फिर सुबह के जो पैसे हैं वो लेकर आने साथ, फिर उसके बाद जो बाजार में मतलब बाकरखानियों में तेल डलता वो लेकर आना, जो अब जो चीजें वो चीजें प्रोडक्शन पूरी करनी, वो साइकिल पर जाना, वो साइकिल पर भी लेकर आनी चीजें, ये लेकर आनी है, फिर थोड़ा सा टाइम मिलना है शाम का, उसमें थोड़ा सा खेल लिया, क्रिकेट खेल ली जाके तो वापस आके तो फिर सो जाना। अब ये आपकी रूटीन है, गुस्सा आ रहा है कि यार बाप ये क्यों काम कर रहा है, अब्बे का कोई और काम होना चाहिए, अब्बे ने साड़ी तो जिंदगी अजाब बनी, गुस्सा चढ़ रहा है, प्लान हो रहा है, धमकान हो रहा है।